28 साल के प्रांशु कंठेड़ 3 साल तक उन्होंने अमेरिका में डाटा साइंटिस्ट की नौकरी की। 1.25 करोड़ का उनको पैकेज था, यानी महीने के 8 से 10 लाख की सैलरी उनको मिलती होगी। इतना सारा होने के बाद भी प्रांशु ने नौकरी छोड़ी और जैन धर्म की दीक्षा लेकर वह जैन मुनि बन गए। प्रांशु के साथ उसके मामा के 2 लड़कों ने भी यही निर्णय लिया और वो भी दीक्षा लेकर जैन मुनि बन गए। यही नहीं, प्रांशु जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां दीक्षा लेकर जैन मुनि या साध्वी बन रहे हैं। यह सब हम न्यूज़ में भी देखते हैं। 10 साल 12 साल 15 साल की उम्र में लड़के लड़कियां जैन मुनि या साध्वी बन रहे हैं, यह हमेशा हम न्यूज़ में देखते आ रहे हैं। जिस उम्र में हम जैसे सामान्य लोग पैसा और शोहरत के पीछे भागते हैं, उसी उम्र में यह यंग लड़के लड़कियां सब छोड़कर जैन मुनि क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यही हम इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। इस बारे में चर्चा करते समय हमें रॉबिन शर्मा की एक पुस्तक याद आती है जिसका नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। इस पुस्तक में भी एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जो अपनी सारी संपत्ति दान करके संन्यास ले लेता है और साधु बन जाता है। लेकिन रॉबिन शर्मा जैसी कहानी भारत में हमेशा सुनने को नजर आ रही है। अहमदाबाद में रहने वाले मौक्षिक शेठ ने अपनी 24 साल की उम्र में सारी संपत्ति छोड़ी और जैन मुनि बन गए। सूरत के हीरा व्यापारी संजय शाह ने अपनी सारी संपत्ति छोड़ी और वो भी जैन मुनि बन गए। सूरत के हीरा व्यापारी दीपेश शाह के 12 साल के बेटे भव्य शाह ने अपनी सारी धन दौलत पे पानी छोड़ के वह जैन मुनि बन गए। उस समय वो खाली 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। भव्य के साथ उनकी बहन प्रियंका ने भी भव्य के साथ जैन मुनि की दीक्षा ले ली। उनकी उम्र भी तकरीबन 13 साल की थी। गुजरात में रह रहे एक गवर्नमेंट ऑफिसर की बेटी खुशी शाह ने सादा जीवन जीने के लिए दीक्षा लेकर जैन मुनि या साध्वी वो भी बन गई। उसकी भी उम्र 12 साल की थी। खुशी के पहले उनके परिवार के 4 सदस्यों ने भी जैन धर्म की दीक्षा ली थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले प्रकाश शाह ने भी रिटायरमेंट के बाद जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन मुनि बन गए। प्रकाश शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी दीक्षा ली और वो भी जैन साध्वी बन गई। प्रकाश शाह के बेटे ने भी जो IIT बॉम्बे से एक डिग्री हासिल कर चुके थे और अच्छे पैकेज की नौकरी कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन मुनि बन गए। राजसमंद के सोने के व्यापारी अंकित गन्ना के 13 साल के बेटी शिवांगी ने भी दीक्षा लेकर जैन साध्वी बन गई। मध्य प्रदेश के बड़े व्यापारी मुकेश श्रीमाल के बेटे ने भी जिनकी उम्र 16 साल थी, उन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और शोहरत भी छोड़ दी और जैन धर्म की दीक्षा ले ली और जैन मुनि बन गए। ये सारे उदाहरण देखकर पता चलता है कि गरीब और निचले तबके के लोग ही नहीं सिर्फ जैन धर्म की दीक्षा लेकर जैन मुनि बन रहे, बल्कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले भी, बड़े अमीर बड़े पैसों वाले गाड़ी बंगले वाले बड़े लोग भी अपनी सारी संपत्ति पैसा छोड़कर बंगला छोड़कर जैन धर्म की दीक्षा लेकर जैन मुनि बन रहे हैं। अब देखते हैं कि जैन मुनि होना मतलब क्या होता है, जैन धर्म में दीक्षा लेना उसका मतलब क्या होता है। जैन धर्म में दीक्षा लेने का मतलब है कि पैसों द्वारा खरीदे जाने वाले सारे सुख और सारी सुविधाओं को त्याग करना, खुद को तपस्वी जीवन के लिए समर्पित करना। जैन धर्म में इसको चरित्र कहा जाता है या महानिधि शमन भी उसे कहा जाता है। दीक्षा लेने का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें दीक्षा लेने वाले लड़के लोग साधु बन जाते हैं और लड़कियां या औरत साध्वी बन जाते हैं। इसके बाद साध्वी को सफ़ेद या वाइट कलर की साड़ी दी जाती है पहनने के लिए और साधु ये उनको या धोती दी जाती है या कई साधु लोग पूरा का पूरा तरह से वस्त्र का त्याग करके अपने जीवन में ऐसे ही रहते हैं। जैन धर्म में मुनि बनना यह बहुत पूज्य या श्रद्धेय संकल्पना समझी जाती है और जैन प्रवचनों में इसको हमेशा बताया भी जाता है। जैन धर्म के 5 मुख्य व्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों का पालन करने के लिए साधु साध्वी खुद को समर्पित करते हैं। जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद यानी भिक्षु और भिक्षुनी बनने के बाद साधु या मुनि और साध्वी का जीवन बहुत संतुलित होता है और नियमों के बीच ही चलता है। सूरज डूबने के बाद जैन मुनि या साध्वी ना पानी पीते हैं ना अन्न ग्रहण करते हैं। सूरज के उगने के बाद भी जैन मुनि या साध्वी 48 मिनट रुकते हैं फिर पानी पीते हैं।
दीक्षा लेने के बाद जैन साधु अपने पारिवारिक सुख का त्याग करते हैं। अगर उनके परिवार के सदस्यों को उनको मिलना है तो उनको भी यानी परिवार के सदस्यों को भी अपने परिवार के जैन मुनि या साधु को मिलने के लिए भक्तों जैसा ही मिलना पड़ेगा, वह सामान्य परिवार के सदस्य जैसे मिल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि किसी को भी जैन साधु का जीवन जीना आसान नहीं होता। दीक्षा लेने के बाद जैन साधु को अपना घर, अपने महंगे कपड़े, सभी ऐशो आराम छोड़कर तपस्वी जीवन में मग्न होना पड़ता है। जैन साधु को जमीन पर सोना पड़ता है। गर्मी में वो फैन का यूज नहीं कर सकते, ठंडी में वो गर्म कपड़े भी पहन नहीं सकते। मुंह के ऊपर उन्हें हमेशा सफेद रुमाल बांधना पड़ता है। पानी का भी उनको लिमिटेड यूज करना पड़ता है। जैन साधु नहाते नहीं है, खाली खुद को स्पंज से पोंछ लेते हैं, साफ करते हैं। सिर्फ महिला साध्वी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नहाना उनको अलाउड किया जाता है। इनको यानी साधु साध्वी को खुद के लिए खाना बनाना अलाउड नहीं है। दूसरों के घरों में जाकर ही भिक्षा उन्हें मांगनी पड़ती है और वहाँ जो मिले वही उनको खाना पड़ता है। इस नियम को गोचरी कहते हैं। जिस प्रकार से गाय हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना खाती है, इसी प्रकार से जैन मुनि को एक घर से ज़्यादा खाना नहीं खाना होता। उनको हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना लेना होता है और वही खाना उनको खाना होता है। जैन मुनि जिस घर में भिक्षा मांगते हैं वह घर भी शाकाहारी होना चाहिए, यह भी उनको ध्यान में रखना होता है। जैन साधु एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी प्रकार के वाहन या साधन का उपयोग नहीं करते। उनको एक जगह ज़्यादा समय रुकना अभी अलाउड नहीं होता। बारिश के 4 महीने छोड़कर जैन मुनि साल भर चलकर प्रवास करते रहते हैं, वो भी बिना चप्पल के। इसको पदयात्रा बोलते हैं और इसका पालन करना जैन मुनि का धर्म होता है। दीक्षा लेते समय जैन साधु या साध्वी के बाल ब्लेड से या वस्त्रे से उनका इस्तेमाल करके निकाले जाते हैं, उनका मुंडन किया जाता है। लेकिन इसके बाद कभी भी जिंदगी भर जैन मुनि अपने बालों को ब्लेड या कैंची नहीं लगाते, यानी उनको खुद के बालों को काटना अलाउड नहीं है। उनको अपने सर के बाल या फिर दाढ़ी या मूंछ के बाल अपने हाथों से खींचकर निकालने पड़ते हैं। इस प्रकार से वह अपने शरीर के बाकी बाल भी निकालते हैं। इसको केश लोचन कहा जाता है। यह बहुत दर्द देने वाला प्रकार होता है जो साल में 2 बार किया जाता है। इतने कठिन मार्ग से जैन मुनि और साध्वी जाते हैं, इसलिए जैन समाज में उनको मान सम्मान मिलता है। सारे सुख शोहरत का त्याग करके वयस्क लोग जैन मुनि बनते हैं, यह बात ठीक है। लेकिन यंग लड़कों के बीच भी जैन मुनि बनने का आकर्षण क्यों बढ़ रहा है, यह बात चर्चा में हमेशा रहती है। 12-15 साल के लड़के, अनेक लड़के लड़कियाँ जैन धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। इतनी कम उम्र में ये लड़के लड़कियां दीक्षा क्यों ले रहे हैं, ये सवाल भी हम जैसे सामान्य व्यक्ति के मन में आता है। लेकिन दीक्षा लेने वाले अनेक यंग लड़के लड़कियां कहते हैं कि वह दीक्षा लेने से कुछ समय पहले बहुत अस्वस्थ रहते थे। वो जिस आनंद को ढूंढ रहे थे वह उनको पैसा या पैसों से खरीदने वाली शोहरत में नहीं मिल रहा था। मृत्यु से कोई छूट नहीं सकता और मृत्यु के बाद मनुष्य प्राणी साथ में कुछ नहीं लेके जाता। पैसों से खरीदे जाने वाली बातें या चीज़ें टिकती नहीं, यह हमें पता होता है, फिर भी हम इसका स्वीकार नहीं करते। यह बात जैन धर्म के तत्वज्ञान में कही गई है। इस तत्वज्ञान को जो व्यक्ति स्टडी करता है, उसका अभ्यास करता है, उस पर विचार करता है, तब वह व्यक्ति दीक्षा लेता है। दीक्षा लेना, जैन मुनि या साध्वी बनना बच्चों का खेल नहीं। हमें धर्म को समझना चाहिए, उसको पढ़कर चिंतन मनन करना चाहिए। इसके बाद जैन धर्म का चिंतन का परिणाम मन के ऊपर होता है। भौतिक चीज़ों में आनंद नहीं बल्कि तपस्या में हमारा आनंद है, यह उस दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के समझ में आ जाता है और वह आदमी या व्यक्ति या औरत दीक्षा लेती है। यही बात जैन धर्म में कही गई है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि ये जो ट्रेंड आ रहा है, यंग लड़के लड़कियां जैन मुनि बन रहे हैं, लेकिन जैन मुनि बनना क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, उनको किस तरह से जैन मुनि बनने के बाद जैन धर्म के नियमों का पालन करना होता है, उनका जीवन कैसा होता है, ये सारी बातें डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे आपसे दरखास्त है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर हो सके तो आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपके कुछ
कमेंट हो तो ज़रूर बताइए, उसके बारे में कुछ राय हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा हो और अच्छा भी लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर और भी दूसरे अच्छे वीडियो है, वो भी वीडियो देखिए। सारे वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।